हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इश कुकिंग। आज मैं आपको दही आलू की एक अनूठी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसको कि मैं अपने घर पर अक्सर बनाती हूँ और मैंने सोचा आज आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी तड़के के लिए, फिर उसके बाद अनियन, जीरे को थोड़ी देर सॉटे करने के बाद इसमें अनियंस डालेंगे। अनियंस को अच्छे से सॉटे करना है और फ्राई करना है जब तक कि ये पिंक ना हो जाए। प्याज हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। एक चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, लगभग एक चौथाई चम्मच। अब इन सारे मसालों के साथ हम अच्छे से इसको भूनेंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ देता है मसाला। अब हमारा मसाला भूनकर तैयार है। अब हम इसमें आगे मैश्ड आलू डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आलू को इस मसाले के साथ थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनेंगे और अच्छी तरह से भूनने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें नमक डालेंगे, इच्छा अनुसार जो आपका होगा। अब हमारे मसाले में आलू अच्छे से कोट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे फेटा हुआ दही, थोड़ा पानी मिलाया हुआ है इसमें। को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले वाले आलू अच्छे से इस दही में हम मिक्स करेंगे, चलाएंगे अच्छे से इसको थोड़ी देर। उसके बाद इसको पकने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हमारे दही आलू पककर तैयार हो चुके हैं, बस अब इसको गार्निशिंग करके इसको सर्व करेंगे। धनिए से करेंगे गार्निश। टेस्टी दही आलू की रेसिपी एकदम तैयार है। मेरी इस सिंपल सी रेसिपी को प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।